चलिए अब जयपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं और आपको बता दें कि डॉक्टर चंद्रभान ब्रिजकिशोर शर्मा और रामेश्वर डूडी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा। चंद्रभान है बीसू का उपाध्यक्ष, ब्रिजकिशोर है खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष, डूडी है एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष। तो जयपुर से एक खबर है, डॉक्टर चंद्रभान ब्रिजकिशोर शर्मा व रामेश्वर डूडी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। इस आदेश की तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीर जरा ध्यान से देखिए। जिस आदेश के जरिए इन्हें बेहद अहम जिम्मेदारी तो दी ही गई थी, अब उसके बाद ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी उन्हें मिला है। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, कितनी देर पहले ये आदेश जारी हुए? देखिए ऐसी ये जैसे कि सीएम गहलोत ने घोषणा की थी कि इन्हें इन तीन मंत्रियों को तीन जो अलग अलग दर्जा प्राप्त हैं उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा, तो वही उसकी आदेश जारी किया गया है और अभी कुछ ही देर पहले आदेश जारी हो गए हैं। और इसके बाद अब वेटिंग इस बात की है राज्य मंत्री का दर्जा किन किन को दिया जाता है। जो इश्यू था वो यह था कि जो विधायक हैं वो लाभ के पद लेते हैं, तो इससे वजह से संवैधानिक दिक्कत क्या आ सकती है, वो इसके क्लियर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो विधायक नहीं है उन्हें कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा और उसी कड़ी में आदेश जारी हुए हैं। बिल्कुल, यानी ऋतुराज हम मान के चले कि जो विधायक है जिनको राजनीतिक नियुक्तियों पर ये अहम जिम्मेदारी दी गई है उनको मंत्री पद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल मंत्री पद का दर्जा नहीं दिया जाएगा, लेकिन उन्हें कुछ कुछ ऐसी सुविधाएं लाभ दी जा सकती हैं जो जनरली आम बैठक करने के लिए या अन्य तरह से उनको लाभ दिया जा सकता है, लेकिन दर्जा नहीं दिया जाए। बिल्कुल, और ऋतुराज आपसे ये भी समझना चाहेंगे डॉक्टर चंद्रभान ब्रिजकिशोर शर्मा और रामेश्वर डूडी को, ये तीन ही वो लोग हैं जिनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा इन राजनीतिक नियुक्तियों के बाद दिया गया है, तो क्या बड़ी वजह इसके पीछे? देखिए बड़ी वजह बिल्कुल पॉलिटिकली है और तीनों चूंकि वरिष्ठ नेता रहे हैं, और ब्रिजकिशोर की बात करें तो वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा पहले कैबिनेट मंत्री थे जो पूर्व में जब सरकार थी गहलोत सरकार तब थे और इसी हिसाब से उन्हें जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। चलिए ऋतुराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।